नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हथियार का भय दिखाकर बदमाशों ने फल व्यवसायी से लूटे रुपए, विरोध करने पर मारी गोली। होली को लेकर भागलपुर पुलिस हुई चौकस। सीटीएसपी ने थाना अध्यक्षों को विधि व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन जारी। सरकार के खिलाफ कर रहे हैं नारेबाजी। सुल्तानगंज से श्याम भक्तों ने निकाली भव्य निशान शोभा यात्रा। भक्ति में झूमते श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा भागलपुर। और सैंडिस कंपाउंड में 7 मार्च से होगा वेटरन्स क्रिकेट कप का आयोजन। 70 से 90 के दशक में क्रिकेट खेल चुके खिलाड़ी लेंगे भाग। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर इसाकचक थाना क्षेत्र के लालूचक भट्टा मैदान के समीप मंगलवार की शाम क्रिकेट मैच देखने जा रहे 16 वर्षीय फल विक्रेता मोहम्मद चांद से बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर 60,000 रुपये लूट लिए। वहीं जब पीड़ित युवक ने रुपए छीनने की शिकायत पुलिस से करने की बात कही तो बदमाशों ने युवक के पेट में गोली मार दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और जख्मी युवक को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। इधर घटना की सूचना मिलते ही सिटी डीएसपी राजवंश सिंह अस्पताल पहुंचे और घायल युवक से घटना के संबंध में जानकारी ली। जख्मी युवक ने बताया कि वह मायागंज अस्पताल के समीप फल बेचता है। मंगलवार को बाजार में फल नहीं मिलने के कारण वह रुपये लेकर मैच देखने लालूचक भट्टा चला गया। इसी दौरान इसाकचक मस्जिद के समीप मोहम्मद मोनू एवं मोहम्मद सरवर ने हथियार का भय दिखाकर पास में रखा रुपया छीन लिया। वहीं सिटी डीएसपी ने इसाकचक पुलिस को अविलंब दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। मैच ऐसे कल माल नहीं मिला, ठीक है, बेचते बाहर मैगन गेट के पास बेचते, 300 दिन पैसा खोली था। अरे कमा रहा, खर्चा नहीं करेगा, नया खर्चा कौन कर वो पैसा होगा पूरा। नया 1,000 रुपया जो उन्होंने 1,000 रुपये दे सकेगा और 1,000 रुपये नहीं देगा, सब पैसा छीन लेगा, सब पैसे में छीन ली मेरा। और उसके बाद गए ना मोरम जा रहे हैं तेरे घर को। कितना पैसा छीन लिया? 60,000। हाँ 10 दिन, हाँ 60,000 पैसा रहता, सब पैसा छीन लिया। बोला ना घर पर जा रहे तुम्हें बोलने के लिए, देखते ना पहले मारी पिस्तौल से ना तो हम बोले कुछ भूल नहीं सके, तभी हम बोलते आए ना, तब आगे तुम गोली मार। होली त्यौहार के दौरान आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होने की आशंका को देखते हुए भागलपुर पुलिस काफ़ी एक्शन में नजर आ रही है। एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर शहर में पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं बुधवार को सीटीएसपी सुशांत कुमार सरोज ने 20 से अधिक थाना अध्यक्ष के साथ बैठक की। क्राइम मीटिंग में सीटीएसपी सुशांत कुमार सरोज ने सिटी डीएसपी राजवंश सिंह एवं लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी निसार अहमद समेत जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को अपराध पर नियंत्रण करने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने की बात कही। क्राइम मीटिंग में सीटीएसपी सुशांत कुमार सरोज ने थाना अध्यक्षों को होली में विशेष सावधानी बरतने और शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। बैठक में सीटीएसपी ने लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने, गुंडापंजी को अपडेट करने और 2 माह के भीतर SC/ST केस को डिस्पोजल करने पर जोर दिया। होली को देखते हुए सीटीएसपी सुशांत कुमार सरोज ने फरार अपराधियों की गिरफ्तारी और थाना क्षेत्र में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। साथ ही सभी थाना अध्यक्ष को अपने अपने थाना क्षेत्र के लोगों और शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर क्षेत्र की समस्या को जानने का टास्क भी दिया। क्राइम मीटिंग में लोदीपुर, कजरेली, गोराडीह, जगदीशपुर, ततारपुर, बरारी, यूनिवर्सिटी, कोतवाली समेत कई थाना के अध्यक्ष मौजूद थे। शिक्षक संघर्ष समिति के आह्वान पर शिक्षकों द्वारा किया गया अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को भी जारी रहा। शिक्षकों द्वारा किए जा रहे हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन को कई संगठनों एवं दलों का समर्थन लगातार मिल रहा है। सनौला में हड़ताल पर बैठे शिक्षकों से मिलने पहुंचे अखिल भारतीय नौजवान संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजीत सुमन ने कहा कि शिक्षकों की मांग जायज है, लेकिन सरकार शिक्षा एवं शिक्षकों के प्रति उदासीन बनी हुई है। हड़ताल के कारण राज्य के विद्यालय बंद हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है। इसके बावजूद सरकार सकारात्मक पहल नहीं कर रही है। शिक्षक अरुण केसरी ने कहा कि जब तक सरकार मांगें पूरी नहीं करेगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। कई शिक्षकों ने कहा कि सरकार कितना भी डराने की कोशिश कर ले, लेकिन शिक्षक डरने या मांग से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस मौके पर उपसंयोजक उदय सिंह, अंकन कुमार, गुंजन कुमार समेत काफी संख्या में शिक्षक और शिक्षिका मौजूद थे। इंद्रधनुषीय श्री श्याम निशान शोभा यात्रा बुधवार को सुल्तानगंज से निकाली गई।
केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ एवं सहयोगी संस्था की ओर से निकाली गई विराट निशान पदयात्रा सुल्तानगंज से निकलकर भागलपुर के प्राचीन खाटू श्याम मंदिर पहुंची, जहां पूरे उत्साह के साथ खाटू श्याम भक्तों ने निशान चढ़ाया। इससे पूर्व निशान शोभा यात्रा का स्वागत श्याम भक्तों ने अकबरनगर, नाथनगर एवं शहर के कई चौक चौराहों पर किया। इस दौरान काफी संख्या में महिला, युवक, युवतियां, बच्चे एवं पुरुष भी हाथों में निशान लेकर खाटू श्याम के गीत पर झूमते नजर आए, जिससे पूरा माहौल फागुन के रंग में रंगा नजर आया। ये कल एकादशी के उपलक्ष्य में श्री श्याम खाटू श्याम बाबा के यहाँ निशान पद यात्रा का आयोजन होता है। अभी हम सुल्तानगंज से करीब 101 पदयात्री निशान लेके ये भागलपुर में प्राचीन खाटू श्याम मंदिर में अपना निशान समर्पित करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इस निशान के माध्यम से एक भाईचारे का संदेश देते हैं, साथ ही बाबा से ये कामना करते हैं कि बाबा आप हम समाज पर सद्भाव बनाए रखिए और देश की उन्नति करते रहिए। और सारे श्रद्धालुजन भक्ति भाव से नाचते घूमते, छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष भक्ति में जाते हैं। हम ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि हमको देख के लोग ये अनुभव करें कि भक्ति में भी जो सशक्ति है वो हमारे देश में जो किसी भी तरह का गलत बात हो रही है उसको बहुत ज्यादा प्रश्रय नहीं मिले। श्री श्याम निशान शोभा यात्रा में श्याम भक्त आसपास के जिलों से भी भागलपुर पहुंचेंगे। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ एवं सहयोगी संस्था माँ शाकंभरी परिवार, प्राचीन खाटू श्याम मंदिर, श्री बिंदल कुलदेवी सेवा समिति, श्री चावो वीरो दादी सेवा समिति, जय माता दी सेवा समिति एवं राष्ट्रीय महिला जागरण समिति के संयुक्त तत्वाधान में श्याम भक्त गोड्डा, नवगछिया, सुल्तानगंज एवं नाथनगर से भागलपुर पद यात्रा कर पहुंचेंगे। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने कहा कि झारखंड के गोड्डा से 85 किलोमीटर की यात्रा कर भागलपुर पहुंचने वाले श्याम भक्तों के लिए बलवाचक स्थित SBI बैंक के समीप रुकने एवं भोजन की व्यवस्था की गई है। वहीं नवगछिया से आने वाले भक्तों के लिए 0 माइल के चाणक्य विहार कॉलोनी में कैंप लगाया गया, जहां भक्तों की सुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं की गई है। जबकि सुल्तानगंज से भागलपुर आने वाले भक्तों के लिए अकबरनगर में व्यवस्था की गई है। संस्था की ओर से जागरण एवं छप्पन भोग के साथ स्टॉल लगाकर शरबत पिलाया जाएगा एवं फूलों की वर्षा भी की जाएगी। आयोजन को सफल बनाने में अनुराधा खेतान, सुमित अग्रवाल, किशन ढंडनिया, बालमुकुंद बगड़िया, प्रमोद पोद्दार, पवन सर्राफ, डॉक्टर सीताराम शर्मा अहम योगदान दे रहे हैं। आने वाले भक्तों को भागलपुर में सभी श्याम प्रेमियों को केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के साथ साथ श्री बिंदल कुलदेवी सेवा समिति, माँ शाकंभरी परिवार, श्री चाव वीरो सेवा समिति, जय माता दी सेवा समिति, राष्ट्रीय महिला जागरण समिति के संयुक्त तत्वाधान के साथ साथ RPF GRP के सहयोग से हम लोग सभी श्याम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन भागलपुर में कर रहे हैं। साथ ही साथ ये अपील कर रहे हैं भागलपुर जिला वासियों से कि वो अपने घर के बाहर में साफ सफाई के साथ साथ स्टॉल जरूर लगाए, आने वाले भक्तों को चाय, शरबत, पानी की जो व्यवस्था वो कर सकें। ये भागलपुर के लिए बड़ी गर्व की बात है कि राजस्थान के बाद भागलपुर जिला, जहाँ की पूरे देश से जो यात्रा आती है वो खाटू श्याम जी की महज यात्रा 18 किलोमीटर की है, लेकिन झारखंड राज्य से भागलपुर की यात्रा 85 किलोमीटर की है, 35 किलोमीटर नवगछिया से भागलपुर, सुल्तानगंज से 25 किलोमीटर की यात्रा और नाथनगर से भागलपुर, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और बड़े ही धूमधाम से सारी समितियाँ एक साथ एक मंच पर जुट कर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए काम कर रही। साथ ही साथ कल शाम को 7 बजे इस समारोह का उद्घाटन होना है, जिसमें कि हमारे राजस्थान से पधारे आचार्य पंडित राम पुजारी महाराज जी और अगवानंद जी महाराज के सानिध्य में उद्घाटन होना तय हुआ है। और हम सभी वासियों से अपील करेंगे अधिक से अधिक संख्या में इस आयोजन में भाग लें। भागलपुर सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय भागलपुर वेटरन्स क्रिकेट कप टूर्नामेंट को लेकर बुधवार को वेटरन्स क्रिकेटरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व क्रिकेटर देवाशीष मजुमदार ने कहा कि 70, 80 और 90 के दशक के क्रिकेटरों को एक मंच पर लाने और क्रिकेट के प्रति लगाव को प्रदर्शित करने के लिए वेटरन्स क्रिकेट कप का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से क्रिकेट के क्षेत्रों में पहचान प्राप्त करने वाले वरीय क्रिकेटरों को युवा क्रिकेटर जान पाएंगे। राकेश कुमार सिंह ने कहा कि वेटरन्स क्रिकेट कप के माध्यम से 70, 80 और 90 के दशक के नामचीन क्रिकेटरों को सम्मानित किया जाएगा, जिससे युवा क्रिकेटर खेल के साथ अनुशासन को सीख सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम है और भागलपुर बिहार में क्रिकेट को बढ़ावा देने में भी वेटरन्स कप सफल साबित होगा। गौरतलब है कि 7 एवं 8 मार्च को भागलपुर वेटरन्स क्रिकेट कप का आयोजन होगा।
टूर्नामेंट में शामिल होने वाले टीम के नाम फारूक इंजीनियर, लाल अमरनाथ, वीनू माकंड, कपिल देव, सुनील गवास्कर एवं गुंडप्पा विश्वनाथ जैसे दिग्गज खिलाड़ी के नाम पर रखे गए हैं। हम लोग यहाँ जब जस्ट हम लोग गैदर हुए इसलिए कि हम लोग कमिंग 7th and 8th March को भागलपुर वेटरन्स का एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें 70s, 80s and 90s के जितने पुराने क्रिकेटर हैं जो लोग आज के दिन में बाहर में हैं, जो लोग भागलपुर में हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक जगह आए और हम लोग एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें, सब लोग एक साथ मिले। यही हम लोग का मेन मोटो यही है। आगामी 7 और 8 March को होने वाले इस क्रिकेट आयोजन के पीछे का जो मकसद है वो ये है कि विगत के कुछ वर्षों में जो भागलपुर की धरती से जो होनहार निकले हैं और क्रिकेट जगत में जिन्होंने नाम कमाया है, ऐसे 6-7 प्लेयर्स को हमने चिन्हित किया है जो रणजी में खेले हैं, कुछ लोग BCCI के रोल पे हैं, उन सबको हम लोग फेलिसिटेट करेंगे। एक और मकसद हमारा है इसी क्रिकेट के मैदान से निकल कर अलग अलग डिपार्टमेंट से जो लोग रिटायर्ड हो गए 60 ईयर से बाप के जो लोग हैं, ऐसे भी 7-8 लोग हैं, उनको भी हम लोग फेलिसिटेट करेंगे। और ये एक मौका होगा आज के क्रिकेट दुनिया के जो प्लेयर्स हैं उनको दिखाने का कि ये जो धरोहर है वो संजो के रखें और क्रिकेट अनुशासन का ही खेल है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़े शहरों के तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंका पब्लिक स्कूल CBSE कॉरिकुलम नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई। सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV। चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंका पब्लिक स्कूल, G6 बसंतपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के तिलकामांझी स्थित जिला कृषि कार्यालय परिसर में आयोजित 3 दिवसीय जैविक कॉरिडोर योजना अंतर्गत गठित समूह के किसानों के लिए चलाए जा रही जिला स्तरीय प्रशिक्षण का समापन बुधवार को हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए पुरुष एवं महिला किसानों को जिला कृषि पदाधिकारी KK झा के नेतृत्व में एवं सहायक कृषि पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह की देखरेख में जैविक विधि से खेती करने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। सत्यमानंद, BTM त्रिभुवन नारायण सिंह, सबर कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर शंभू प्रसाद के अलावा ATM श्लोक, इति एवं माधुरी ने कृषकों को जैविक खेती से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया। सहायक कृषि प्राधिकारी दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि 31 समूह का चयन किया गया और 6 प्रखंड के किसानों को कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने कहा कि जैविक विधि से खेती करने में खर्च 30% कम होता है और उत्पादन बढ़ने के साथ स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होता है। इस मौके पर सबौर, नाथनगर एवं सुल्तानगंज के किसान मौजूद थे। ये 3 दिवसीय जैविक कॉरिडोर के द्वारा योजना के अंतर्गत किसानों को जैविक खेती करने हेतु प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें भागलपुर जिले के 6 प्रखंडों से 31 समूहों का चयन किया गया है। प्रत्येक समूह में किसान चयनित किए गए हैं और 2000 एकड़ में गंगा के तटीय इलाके में जैविक विधि द्वारा खेती करने के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। होली त्योहार को देखते हुए शराब तस्करों पर भागलपुर पुलिस की विशेष नजर है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में गश्ती अभियान तेज कर दिया गया है। बुधवार को भागलपुर के जगदीशपुर थाना पुलिस ने बाइक चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से 12 बोतल विदेशी बियर बरामद किया है। दरअसल अंगारी मोड़ के समीप पुलिस तलाशी अभियान चला रही थी,
तभी मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र निवासी 26 वर्षीय अजीत कुमार झारखंड से शराब लेकर भागलपुर आ रहा था। उसी दौरान पुलिस ने शराब के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने बताया कि उत्पात अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है। भागलपुर के कोटिस कंपाउंड स्थित शारदा झुंझुनवाला में बुधवार को थिरकन अ परफेक्ट डांसिंग हब का शुभारंभ किया गया। थिरकन डांसिंग क्लास का उद्घाटन पूर्व महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, समाजसेवी प्रशांत विक्रम समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इसके पूर्व संस्थान की प्रोपराइटर अनिता अनवर ने अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया। सभी अतिथियों ने जुम्बा एरोबिक्स डांस फॉर्म के साथ डांस के कई फॉर्म की ट्रेनिंग के लिए खोले गए डांस क्लास की सराहना की और अनिता अनवर को बधाई दी। वहीं प्रोपराइटर अनिता अनवर ने कहा कि भागलपुर में भी बड़े शहरों के जैसे डांस के अलग अलग फॉर्म की ट्रेनिंग बच्चों को मिल सके, इसके लिए कोशिश की जाएगी। वहीं डांस टीचर बॉबी मिस्टर रोबो ने कहा कि भागलपुर में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन बेहतर ट्रेनिंग के अभाव में यहाँ के बच्चे बड़े स्टेज तक नहीं पहुँच पाते हैं या सफल नहीं हो पाते हैं। थिरकन में बच्चों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। मौके पर काफी संख्या में बुद्धिजीवी एवं कला प्रेमी मौजूद थे। जूनियर सेक्शन के बगल में एक डांस क्लास ओपन हुआ है जिसका नाम है थिरकन, और उसका उद्घाटन प्रीति शेखर जी और प्रशांत विक्रम जी के हाथों हुआ है। और उसके पीछे, उसको ओपन करने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि भागलपुर के बच्चे को एक परफेक्ट डांसिंग क्लास मिले, जिससे वो बच्चे आगे जाके और रियलिटी शो को फाइट कर सके। और उस क्लास में हमारे इंस्ट्रक्टर हैं बॉबी मिस्टर रोबो, अमन सर, कृष्णा सर, ये सब हमारे साथ हैं जो काम कर रहे हैं। मिस्टर रोबो, और मैं राजस्थान से हूँ, तो जैसे कि मैंने देखा कि भागलपुर में काफी अच्छा टैलेंट है, लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं उससे कमी में से बच्चे पीछे रह जाते हैं, लेकिन मेहनत उन्हें उतनी होती है जितने मुंबई के डांसर, दिल्ली के डांसर, जयपुर के डांसर, कहीं के भी डांसर कर रहे हैं, मेहनत उनकी उतनी है, लेकिन उनका जो वे है वो वे एकदम सही नहीं जा रहा है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को अब शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बड़े शहर की तर्ज पर भागलपुर में भी लाइव ऑनलाइन क्लास जैसी कई सुविधा कॉम्पिटेटिव अकेडमी उपलब्ध कराती है। भागलपुर सराय स्थित कॉम्पिटेटिव एकेडमी में छात्रों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। सेंटर में पटना और दिल्ली के बेस्ट फैकल्टी छात्रों को एसएससी, बैंक, रेलवे, बिहार पुलिस और बीपीएससी की तैयारी कराते हैं। कॉम्पिटेटिव एकेडमी के संस्थापक रोशन यादव, निदेशक मुकेश कुमार और सेंटर प्रभारी नंदू कुमार की टीम शिक्षा की अलग घर घर पहुँचाने के लिए प्रयासरत है। गणित के शिक्षक अभिनय शर्मा एवं राहुल राज, रीजनिंग के शिक्षक राज राजेश, इंग्लिश के शिक्षक राकेश रंजन झा और जीएस के खान सर छात्राओं को अपनी शिक्षा दीक्षा से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि कॉम्पिटेटिव एकेडमी की 3 शाखा भागलपुर में है, जबकि बिहार के कई स्थानों पर यह संस्था लाइव ऑनलाइन क्लास के जरिए छात्रों का मार्गदर्शन करती है। वहीं संस्थापक रोशन यादव ने कहा कि हमारा मोटिव भागलपुर में दिल्ली और पटना जैसी पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। सेंटर में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए टेस्ट सीरीज, लाइव डिस्कशन, मैप क्लास, करंट अफेयर्स की कक्षा समेत कई तरह की हाईटेक सुविधा उपलब्ध है। इधर निदेशक ने कहा कि गरीब छात्र छात्राओं को कॉम्पिटेटिव एकेडमी निशुल्क सेवा देता है। जब से इंस्टीट्यूट खुला है तब से मैं यहाँ क्लास कर रही हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुकेश भैया, रोशन भैया एंड अदर टीम, मैं सबको थैंक्स बोलूँगी जो हम लोग को बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिला है यहाँ पे। कुछ स्टूडेंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम या डिस्टेंस की वजह से नहीं जा पाते हैं बाहर, वो हम लोग को यहाँ लाइव क्लास करने का मौका मिला है। हमारे संस्थान में बैंक, एसएससी, रेलवे तथा अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा अलग से बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा तथा एनटीपीसी की कक्षाएं चलाई जाती है। इस संस्थान को खोलने का हमारा एक ही मकसद था, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पैसे के अभाव के कारण तक है कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पटना तथा दिल्ली जैसे बड़े शहर में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये संस्थान खुलने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे वो इस संस्थान में आ रहे हैं और अपना उज्जवल भविष्य भागलपुर सनोला प्रखंड के फाजिलपुर सकरामा गांव में बुधवार को हनुमान मंदिर की स्थापना को लेकर विधिवत पूजा अर्चना की गई। पंचमुखी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। इस दौरान नाट्य मंडली के द्वारा राम, सीता, लक्ष्मण सहित कई देवी देवताओं की झांकी भी निकाली गई। मुखिया प्रतिनिधि अनुज कुमार झा ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से पंचमुखी मंदिर का निर्माण हुआ है। उन्होंने बताया कि पूजा अर्चना एवं हवन पूजन के साथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। मौके पर पंचायत की मुखिया रानी देवी एवं आसपास के ग्रामीण मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
हथियार का भय दिखाकर बदमाशों ने फल व्यवसायी से लूटे रुपए, विरोध करने पर मारी गोली। होली को लेकर भागलपुर पुलिस हुई चौकस, सीटीएसपी ने थाना अध्यक्षों को विधि व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन जारी, सरकार के खिलाफ कर रहे हैं नारेबाजी। सुल्तानगंज से श्याम भक्तों ने निकाली भव्य निशान शोभा यात्रा, भक्ति में झूमते श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा भागलपुर। और सैंडिस कंपाउंड में 7 मार्च से होगा वेटरन्स क्रिकेट कप का आयोजन, 70 से 90 के दशक में क्रिकेट खेल चुके खिलाड़ी लेंगे भाग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।